नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी का प्रदर्शन लगातार जारी है और लाठीचार्ज के बाद भी अभ्यर्थी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। इस दौरान पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की, कई राउंड दौड़ाया है और लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर रण क्षेत्र में तब्दील होती दिखी। काफी दिनों बाद पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस के जवान आमने सामने दिखे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग के साथ टीआरई 3 यानी तीसरे चरण के शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे। बीपीएससी के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने बेली रोड से लेकर बीपीएससी गेट तक नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। उग्र होते प्रदर्शन को रोकने और शिक्षक अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस के बार बार लाठीचार्ज के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोग का लाठी बरसा रहे, हम लोग का पहली मांग है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, उसके बाद बिहार के छात्रों को पहले नौकरी दिया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और कृपया कर यहाँ के डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 1 टीआरई 2 में अन्याय का आरोप लगाया और टीआरई 3 में गलती न दोहराने की मांग की। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट से पहले काउंसिलिंग हो, सीट खाली नहीं रहे इसका जरूर ख्याल रखा जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त महीने के अंत तक निकलने की उम्मीद है। उसके पहले शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महादलित टोले में डायरिया फैलने का मामला खबर दिखाने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। प्रभावित महादलित टोला मेडिकल टीम पहुंची है, लोगों का इलाज करने में मेडिकल टीम जुट गई है। प्रशासन की टीम भी महादलित टोला पहुंची है। राजौली बीडीओ बीपीआरओ पीएससी प्रभारी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महादलित टोले में डायरिया फहरा, ये खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। महादलित टोला मेडिकल टीम पहुंच गई है, अब पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है, लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है। और जहानाबाद के बाड़ावर पहाड़ पर बने सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। सावन की चौथी सोमवारी को अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। एडीएम आपदा के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। सावन की चौथी सोमवारी के दिन जहानाबाद के लोगों को गहरा घाव लगा। मखदूमपुर के वाणावर पहाड़ पर बने सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के नजदीक बड़ा हादसा हो गया। भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं आगे रास्ता, इसी रास्ते में आगे में दुर्घटना हुई है, जो स्टैम्पिंग जो भगदड़ मचा है। ये दर्दनाक हादसा रात के करीब 12 और 1 के बीच का बताया जा रहा है। आसपास के लोग बताते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सीढ़ी पर भगदड़ मच गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे। इसी दौरान कई श्रद्धालु नीचे गिर गए और भीड़ में दबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भगदड़ की वजह दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट है।
कुछ जो दुकानदार हैं ऊपर में मेले के और स्थानीय कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाणावर हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। एडीएम आपदा के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। जांच टीम को 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर मखदूमपुर के नजदीक वाणावर पहाड़ी है, जिसे मगध का हिमालय कहा जाता है। इसी पहाड़ के ऊपर मंदिर है। सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है, जिसे मगध का बाबा धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि सम्राट अशोक ने गुफा का निर्माण कराया था, जहां जाने के लिए पाताल गंगा इलाके से सीढ़ियां बनाई गई हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने जाते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। और बाड़ावर हादसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया है, साथ ही शिव भक्तों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। मैं शिव भक्तों से कहूंगा कि महादेव की भक्ति तो करें, लेकिन संभल के करें। जो घटना हुई वो आपाधापी में ज़्यादा हुई है, जैसा कि लोगों ने बताया। मैं शिव भक्तों से कहूँगा कि सावन में ही नहीं, जब भी महादेव का आप जल अभिषेक करने जाएं, तो थोड़ी शांति भी रखें, थोड़ा सब्र भी रखें। और बिहार सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए एकमी शोभन बाईपास पर 150 एकड़ से ज्यादा जमीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भूमि हस्तांतरण में किसी भी बाधा की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, परियोजना के लिए शेष 37 एकड़ जमीन अगले हफ्ते ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पटना के बाद दरभंगा का एम्स राज्य का दूसरा एम्स होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्द शुरू होगा। 2015-16 के बजट में पहली बार शामिल किए जाने के बाद ये परियोजना कई सालों तक अधर में लटकी रही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुरुआत में 15 सितंबर 2020 को 1,264 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। दरभंगा एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार ने जमीन हैंडओवर कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, आज खुशी की बात है कि जिसका इंतजार हो रहा था, अब जमीन हैंडओवर आप लोगों ने कर दिया। निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का दिन है बिहार के लिए, जब दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य में हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को यह विशेष तोहफा दिया था, जब दूसरे एम्स की स्वीकृति नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने बिहार के लिए दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य को गति आज मिली है। बिहार की सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 150.13 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है। दरभंगा एम्स के निदेशक को आज उस संदर्भ में सारा कागजात प्रस्तुत कर दिया गया, तो बहुत से दरभंगा में एम्स के निर्माण का कार्य शुरू होगा। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जाहिर की है और साफ कहा है कि अब सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जमीन का इंतजार हो रहा था राज्य सरकार ने आज हैंडओवर कर दिया है। अब निर्माण की जो गति है उसमें एक तरह से जो है अब गति जो है वो देखने को मिलेगी, और कुल मिलाकर ये कहेगी ना सिर्फ मिथिलांचल वासियों के लिए ये बड़ी सौगात होगी, बल्कि बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि अब बिहार में दो दो एम्स तैयार हो जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में लगातार पुलों के गिरने के बाद अब जल संसाधन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में पुल पुलियों के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी बनाई है। पुल और पुलियों के निर्माण के लिए मानक तय किए गए हैं, अब तय मानक के अनुरूप ही पुल पुलियों का निर्माण हो सकेगा। पुल स्ट्रक्चर के लिए अब एनओसी लेना होगा।
बिना एनओसी कोई पुल नहीं बन पाएगा। जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। उसका जल एक्सपोज हो गया, खाली हो गया और नदी में तेज प्रवाह आने से वही पाया ही जो पिलर है वही हिल जाता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये एक अस्थाई प्रक्रिया बना दी है कि उस बारे में पूरी सतर्कता से सारी चीज़ों की समीक्षा के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे सभी विभाग को सहूलियत होगी। कोई दूसरा विभाग भी ये सोच के गहराई तो उन्होंने दी, लेकिन वो सिल्टेट लेवल जो था, गाद वाला जो मोटाई थी, उसको हटा के करना था। वो उस समय वो फैक्टरी नहीं किया गया जिसके कारण परेशान। बांग्लादेश में हिंसा थम नहीं रही है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। बांग्लादेश की घटना से सनातनियों को सबक लेना चाहिए। गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया। बांग्लादेश के सलाहकार मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं से माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन उन अभी तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के स्थिति से भारत के सनातनियों को भी सबक लेनी चाहिए। और वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं को कभी मठ और मंदिर पर भी बोलना चाहिए। सत्ता के लिए जहां जन्म लिए उसे भूल जाते हैं। उनको बोलिएगा कभी मठ और मंदिर का भी चर्चा करें जिसमें जन्म लिए हैं। सत्ता के लिए जहां जन्म लिए उसी को भूल गए। अपना माँ बाप को भूल जाएगा, धर्म को भूल जाता है लोग सत्ता और पद पाने के लिए। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना से देशभर के डॉक्टरों में गुस्सा और गम का माहौल है। पटना में इस घटना के विरोध में IGIMS के डॉक्टर मार्च पर निकले। विरोध मार्च में शामिल डॉक्टर इस घटना को लेकर बेहद नाराज नजर आए। डॉक्टरों से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद जो घटना ये सामने आई है उसको लेकर देश भर में गुस्सा है। राजधानी पटना में IGIMS के स्टूडेंट भी इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और IGIMS कैंपस से यह मार्च निकला है। काफ़ी संख्या में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इस मार्च में शामिल हैं और बेहद नाराजगी और गुस्सा है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी मार्च निकाला गया है। जो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट शामिल हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या डिमांड है इनकी, क्या चाहते हैं आप लोग निकले हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं यहाँ पे। किस तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्या लगता है? इंसाफ मिलना चाहिए हम लोग को। कैसे चाहते हैं, क्या डिमांड? क्या डिमांड है हम लोग की कि पहले तो डॉक्टर्स की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। ऐसे भी किसी भी कॉलेज के कैंपस में घुस के अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है वो सब ठीक नहीं है। सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और आगे से ऐसा कोई भी चीज नहीं हो ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को। क्योंकि वाकई में डॉक्टर जो हैं वो कई तरह की परेशानियों को झेलते हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, वो धरती के भगवान कहे जाते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स के साथ इस तरह की अगर घटना हो जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल देश भर में जो गुस्सा है वो डॉक्टरों का दिख रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और मोतिहारी में पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर पत्नी और ससुराल वालों से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मामला रक्सौल के कौड़ीहार पंचायत के लक्ष्मीपुर का है, जहां एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद शाह आलम ने अपने घर में फांसी लगा ली। पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद शाह आलम ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपनी पत्नी साजिया से काफी परेशान है। उन्होंने पत्नी साजिया और उसके परिवार वालों पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया। मेरा अब्बू को परेशान करती थी और साथ साथ नाना नानी और मामा तीनों करते थे।
क्या नाम है? मामा नाना नानी का कहाँ के हैं? नाना का नाम परवेज अख्तर है, मामा का नाम आमिर अंसारी और नानी सलमा खातून। कहाँ के, कहाँ घर है उनका? बोलो उधर आदापुर साइड। आदापुर सिरसिया में। इनकी पत्नी में और ससुराल वालों से बहुत दिनों से इन लोगों में आपकी मतभेद चल रहा था, जिससे मेंटली प्रॉब्लम में चल रहे थे ससुराल के लोगों को। सुसाइड नोट भी छोड़े हैं? हाँ, एक सुसाइड नोट छोड़े हैं वो, उसमें अपने ससुराल वाले और अपने पति को चोटी चढ़ाया है। अगर आपकी जेब में कैश नहीं है फिर भी आप पटना रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीद सकेंगे। रेल यात्रियों के लिए पटना स्टेशन पर सुविधा बहाल कर दी गई है। दरअसल टिकट काउंटर पर QR कोड की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर यात्री टिकट ले सकेंगे। तानापुर रेल मंडल के पटना जंक्शन से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। खरीदारी से लेकर के जो रिजर्वेशन टिकट है उसकी बुकिंग तक जो है अब QR कोड से आप कर सकते हैं। भारतीय रेल ने ये व्यवस्था जो है वो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लागू किया है। दानापुर मंडल में ये सुविधा जो है लागू की गई है। देख सकते हैं ये आरक्षित टिकट काउंटर है और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो टिकट लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो जो लोग कैश लेकर के आए हैं वो कैश से टिकट ले रहे हैं और जो कैश लेकर के नहीं आए हैं वो यहाँ पे QR कोड के माध्यम से भी जो है वो अपनी टिकट हासिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे QR कोड सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। सभी काउंटर पे इस तरह से QR कोड जो है वो लागू की गई है और लोग जो है इस QR कोड के माध्यम से भी टिकट ले रहे हैं। तो हम बात भी करना चाहेंगे। हाँ, मिल रहा है, सबको दे रहे हैं। यहाँ पे QR कोड से टिकट दी जा रही है और देख सकते हैं कि मनोज कुमार देव हैं मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि QR कोड से टिकट दिया जा रहा है। भैया ये बताइएगा कि QR कोड से टिकट मिलना कितना सुविधाजनक है? नहीं भी है तो आप QR कोड से ले सकते हैं? हम अभी फर्स्ट आए हैं, मिलता सुनते हैं मिलता है, सुविधा होती है आपको? हाँ होती है। पहले कैश लेके आना पड़ता था, छुट्टा लेके आना पड़ता था। हाँ, इससे सुविधा है और कैश के माध्यम से भी टिकट ले रहे हैं, लेकिन जो बिना कैश के यहाँ आ जा रहे हैं उन्हें भी जो है QR कोड के माध्यम से टिकट जो है वो उपलब्ध करा दी जा रही है। तो हम जानते भी हैं। ये बताइएगा कि जो QR कोड से टिकट मिल रहा है, QR कोड से भी अब टिकट मिल रहा है? पता नहीं, मैं तो कैश से सब पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर जो मिल रहा है वो लोगों को सुविधाजनक हुआ है? पहले चेंज लेकर जाना पड़ता था, नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा QR कोड से? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सिर्फ कैश में करूँ तो मुझे इसका पता नहीं है। पता नहीं है बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे टिकट लेने आए हैं, टिकट लेने आए हैं जी। QR कोड से भी अब टिकट मिल रही है, ये कितना सुविधाजनक होगा? QR कोड से मिला, अभी मैं किया नहीं, मैं कैश ही कर रहा हूँ। हैं वो बता रहे हैं कि QR कोड सिस्टम लागू होने से इन्हें सुविधा होगी, क्योंकि पहले सिर्फ कैश से टिकट मिलती थी और वो भी जो खुदरा राशि है वो लेकर के आना पड़ता था, नहीं आने पे टिकट जो है उसमें लेने में सुविधा होती थी। लेकिन अब QR कोड के माध्यम से जब से ये टिकट मिलना शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छपरा के दीपक यादव भी शहीद हो गए। दीपक यादव छपरा जिले के लौबा कला गांव के रहने वाले। शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। शहीद के अंतिम दर्शन को लोगों का जन सैलाब उमल पड़ा। दीपक जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। गाँव के लोगों को इस बात का गर्व है कि उनके गाँव का एक लाल देश के काम आया है। दीपक का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा, दीपक यादव अमर रहे के नारे पूरे गांव में गूंजने लगे। गांव के लोगों ने कहा कि दीपक गांव के लोगों के दिलों में हमेशा दीपक की तरह जलते रहेंगे। में जहां लौवा कला के जवान दीपक का शव पहुंच गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो जनसैलाब है उसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एरिया में दीपक की क्या लोकप्रियता थी और उसके शहादत को सलाम करने के लिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि अनंतनाग में जिस तरह के आतंकी हमले में दीपक शहीद हुए हैं उसे लेकर पूरा जिला जो है मरमाहत है। कहीं ना कहीं लोगों में गम है और उस गम को तिरंगे के साथ लोग यहाँ पे अदा करने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ पे विदाई देने की घड़ी है। आप देख सकते हैं घर के ऊपर चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ये जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि शहीदों के प्रति हमारे देश में क्या सम्मान है। और जो भीड़ है, भीड़ आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार जो है अब ख़त्म हो चुका है। दीपक का शव जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर लाया गया है और ये नज़ारा जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाला है। हमारे साथ दीपक के परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, दीपक शहीद हो गए हैं, इस परिवार का फौज से काफ़ी करीबी रिश्ता है, एक और बेटा ये है, क्या कहेंगे आप इस शहादत को?
दीपक अमर हैं, अमर रहेंगे और क्या बोले उनके अमर को तो कोई भुला नहीं सकता, जिस तरह की उन्होंने शहादत दी है पूरा गांव अमर को कोई नहीं भुला सकता। आप देख रहे हैं पीछे भीड़ कितना लगा हुआ है, सारे लोग उनसे प्यार करते थे, बहुत अच्छे वो इंसान से, फौज में भी बहुत अच्छे एक सोल्जर थे। बिल्कुल आतंकियों से लोहा लेते हुए जिस तरह शहीद हुए, आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और हमारे देश का नाम रोशन किए, इसके सदियों तक याद किए जाएंगे। ये दीपक हमेशा अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, इनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आनंद कुमार। आनंद कुमार जी है और यहाँ के स्थानीय है, दीपक के आप काफी करीबी रहे हैं, किस तरह के दीपक मैंने व्यक्तित्व थे, शहीद हो गए हैं, लोग उन्हें देख सकते हैं कि उनके लोकप्रियता जो है पूरे जिले के लोग यहाँ पहुँचे हुए। दीपक हमारा कभी भी दीपक है, दीपक जलता रहेगा और दीपक जैसा पुत्र हम लोग के गाँव में बिरले आता है, ये आया था और नाम करके गया, यही हम लोग का खुशी है कि मतलब हमारा बेटा हुआ तो काम करके देश के लिए गया, यही हम लोग की खुशी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस शहादत के बाद लोगों में फक्र है, लोगों का ये कहना है कि दीपक ने इस गांव को का नाम रोशन किया, भले ही उनकी जिंदगी चली गई है लेकिन देश के नाम शहीद हुए हैं, उनका जिंदगी जो है देश के काम आया है। क्या है एक जवान जब देश के काम आता है, देश के लिए गर्व होना चाहिए गाँव को, पूरे हमारे देश को, इस हमारे भाई पे शहीद हवलदार दीपक यादव जी, हम लोग प्राउड करते हैं कि ऐसा भाई हर घर से बहुत देश के लिए लड़े हैं। जी जी, उनके लिए सब तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार सुजीत कुमार मिश्रा हुआ। हवलदार सुजीत कुमार जी हैं जो कि आए हुए यहाँ पे दीपक के शहादत को सलाम करने के लिए। और अब एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, एक बार आखिरी बार दिखा दे दीपक के जो पार्थिव शरीर को देखने के लिए जो भीड़ पहुंची है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। ऐसा लौवा कला गाँव में ना पहले कभी देखा गया, ना पहले कभी देखा जाएगा। गाँव के इस बेटे को सलाम करने के लिए पूरे जिले के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, पूरा ट्रैफिक एक तरह से कहा जाए कि जाम हुआ, सारे लोग तिरंगे के साथ यहाँ पहुंचे अपने शहीद बेटे को सलाम करने के लिए। हालांकि उनके परिवार वाले इस दुख की घड़ी में बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले जब हमारी उनके पत्नी से बात हुई थी, उनके बेटे से बात हुई थी, तो पूरा देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला था। उनके बेटे ने कहा था कि हम भी फौज में जाएंगे और आतंकियों से लोहा लेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। मोतिहारी में जल जमाव की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। जल जमाव होने से वार्ड नंबर 4 और बाजार समिति इलाके में परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। महिलाओं और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं जल जमाव से मलेरिया, डेंगू जैसी कई गंभीर बीमारियां फैलने का डर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।